आज हिसार के शासन चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने कृष्णा धर्मशाला में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने 16 अगस्त को जींद में माननीय अमित शाह जी की आस्था रैली में बढ़ चढ़कर आने की अपील की। इनके साथ में आए स्थानीय नेता आशा खेदड़, जोगीराम सिहाग, साधुराम जाखड़, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रणधीर पुनिया, पप्पू राजली, मार्केट कमेटी के चेयरमैन उकलाना से सतपाल शर्मा, जितेंद्र जोग, शमशेर पंगाल नेता मौजूद रहे। सभी ने कहा जहां सांसद हमारी ड्यूटी लगाएंगे हम वहां मौजूद रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए कहा जल्द ही SYL का पानी हरियाणा को मिलने की उम्मीद है और हिसार एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की दिशा में कार्य तेजी से हो रहा है। सर, ये आज का जो प्रोग्राम था किस उपलक्ष्य में रखा था? नहीं, ये मैं आमंत्रित करने आया था पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अन्यथा लोगों को कि 16 तारीख को जींद में आस्था रैली के नाम से एक आयोजन किया जा रहा है जिसमें आदरणीय देश के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पधारेंगे और उसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर सबको आमंत्रित करने आया। संसद में आपने इस वाले मुद्दा उठा दी, हरियाणा को पानी कब तक मिलने की उम्मीद है? मैंने देखिए, वो तो बहुत लंबी बात है, वो बिल के ऊपर चर्चा थी जिसमें मुझे कुछ समय मिला बोलने का। तो जो पुराना एक्ट है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का, उसमें काफ़ी तरमीम करके सरकार लाई थी, नया अमेंडमेंट बिल जो लाई थी 2019 का, तो उस पर बोलने का मौका मिला था जिसमें जो समय सीमाएं हैं उनको निर्धारित किया जाता है कि ट्रिब्यूनल जो होगा, जैसे अब SYL का है, सन 1986 से ट्रिब्यूनल के पास वो पड़ा है और उसका आज तक फैसला नहीं हुआ, उसमें समय सीमाएं निर्धारित करने का प्रावधान है। तो उस बिल पे मुझे बोलने का मौका मिला था, वो लोकसभा में पारित हो गया था लेकिन राज्यसभा में भी पेश नहीं हुआ। सो अगला सत्र जब भी आएगा उसमें वो पेश होगा राज्यसभा में। 4 तारीख को उकलाने के अंदर कांग्रेस ने बहुत सम्राट सम्मेलन किया था, उसमें तौर जगह बयान था अभी अगर एयरपोर्ट अगर चालू हो जाता है तो मैं संन्यास ले लूँगा, इसके बारे में? नहीं, मैं दूसरों के बयान पे और इस तरह के बयान पे आप जिसकी बात कर रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट वो उनका मत है, वो तो वैसे भी संन्यास लेने के बराबर ही काम हो रहा है। सर, ये हिसार का एयरपोर्ट की उड़ाने कब तक शुरू हो जाएगी?
देखिए उड़ान कब तक हो जाएगी वो मैं किसी आधिकारिक तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन जो जानकारी मुझे है, जो फीडबैक जो मुझे है, जो मेरी बातचीत उनसे हुई है, सारी प्रक्रिया तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी ही उम्मीद रख सकते हैं कि उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन साथ में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब मैं चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर हुडा था तो उस हैसियत से मैं जो चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके बोर्ड पर भी था। सो जो एयरपोर्ट से जो उड़ान भरने का जो मुद्दा है वो उसको आप बस चलाने से कंपेयर मत करो कि आज कोई दस्तक कर देगा और कल को हवाई जहाज़ उड़ना शुरू हो जाएगा। उसकी अपनी एक इकोनॉमिक्स होती है और उसमें जो एयरलाइन है वो आनी पड़ती है और उस पर भी कार्रवाई काफ़ी हो चुकी है। एक एयरलाइन का चयन भी हो चुका है जो तैयार हुई है यहाँ से हवाई उड़ान भरने के लिए, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी शुरू हो जाए। एक आवारा पशु से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और एक्सीडेंट भी आप देखने मिल रहे हैं, वो सरकार उससे भी निपट रही है।